हेलो स्टूडेंट, बट आज हम कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर बेस्ड हैं और लेंज लॉ के ऊपर बेस्ड हैं और मोशनल ईएमएफ के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो यहां से वन बाय वन करके कुछ प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रॉब्लम नंबर थर्ड लेता हूं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है। ये हमारे पास दो ब्लॉक है, ये फर्स्ट फिगर, ये सेकंड फिगर। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक है ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर लगा हुआ है। ये इस तरह से मैं यहां पे बनाता हूं प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर थ्री। ये हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, और ये क्यूब वी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, और बी जो है मैग्नेटिक फील्ड वो इस तरह से लगा हुआ है। ठीक है, अब इसमें एल जो दे रखा है लेंथ ऑफ ईच साइड, दिस इज 10 सेंटीमीटर, वेलोसिटी दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 0.05 वेबर पर मीटर स्क्वायर और इसमें हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल ली। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ईच साइड, ठीक है, और नाम दे रखा है दिस इज ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब एक चीज देखो बेटा, हमने मोशनल ईएमएफ पढ़ा है। क्या पढ़ा है? मोशनल ईएमएफ। और मोशनल ईएमएफ क्या होता है कि जब भी कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके अंदर एक ईएमएफ डेवलप होती है, जिसको क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ। अब यहां पे देखो इसमें कितनी साइड है, 12 साइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 साइड है इसके अंदर। कितने बेटा? 12। जब ये इसके अंदर से मूव करेंगी तो इसके अंदर एक ईएमएफ डेवलप होगी। तो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? मोशनल ईएमएफ इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू बी एल वी। क्या होता है? बी एल वी। लेकिन इसमें एक फॉर्मूला होता है क्या कि बी एल और वी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, बी परपेंडिकुलर टू एल, परपेंडिकुलर टू वी, तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे होने चाहिए। अगर तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे नहीं है तो इसके अंदर मोशनल ईएमएफ डेवलप नहीं होगी। अगर इनमें से दो भी पैरेलल हो गए, कोई भी दो पैरेलल हो गए, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी हो जाएगी? जीरो। तब देखो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किधर? इधर। और वेलोसिटी किधर? वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में, यानी कि बी और वी दोनों यहां पे क्या है? पैरेलल। यहां पर लिखे इन फिगर अबाउ फिगर द वी एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ईच आर्म कितनी होगी? Each arm is zero. ठीक है, कोई induced EMF नहीं होगी। अगर इन तीनों में से L, V और B, भाई ये L किधर? A से D की तरफ, B से C की तरफ, C से G की तरफ। इनमें से अगर दो क्वांटिटी कोई भी दो पैरेलल हो गई तो कोई भी induced EMF डेवलप नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पे बी और वी दोनों देखें तो ये क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है, इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप नहीं होंगे। ठीक है, अब दूसरे डायग्राम में देखो फिगर नंबर सेकंड। तो फिगर नंबर सेकंड में हमारे पास क्या है? फिगर नंबर सेकंड बेटा, फिगर नंबर सेकंड में मेरे पास ये देखो, ये हमने वी को हमने किधर कर दिया? वी को इधर कर दिया। ठीक है,
अब यहां से देखो, अब इसमें कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा ईच आर्क के अंदर। अब यहां पे एक चीज देखो, वी और बी क्या हो गए परपेंडिकुलर, वी इधर बी इधर। अब एल में हमें देखना है, अब ये देखो ये ए बी, ए बी जो आर्म है, ए बी की डायरेक्शन किधर, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ, ठीक है। इधर देखो डीसी, डीसी भी क्या है, बी के पैरेलल है, ये ए बी किधर है, ए डी की डायरेक्शन, ये डीसी की डायरेक्शन, ये एच जी की डायरेक्शन, ये ठीक है, और यहां से ई एफ की डायरेक्शन ये। तो ये चारों क्या है, बी के पैरेलल है, तो इनके अंदर कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप नहीं होगी। यहां लिख सकते हैं द आर्म डीसी एच जी, ठीक है, और ई एफ एंड ए बी आर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो इन दीज आर्म्स। इनमें कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, जीरो, क्योंकि बी के पैरेलल है। अब एक चीज देखो, एडी बीसी जीएफ और एचई, ये किसके पैरेलल है, ये देखो ये इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, ठीक है, एक दो तीन और चार, ये चारों आर्म किसके पैरेलल है, वी के, लिख सकते हैं यहां पे द आर्म्स ए डी कोमा एच ई कोमा सी बी कोमा जी एफ आर पैरेलल टू किसके, वी, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दीज आर्म्स इज ऑल्सो जीरो। अब देखो चार ये इसके पैरेलल, चार ये इसके पैरेलल, इन आठ में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो गया, जीरो। बच कौन कौन सी गई, बच हमारे पास कौन कौन सी गई, तो बच हमारे पास एक तो ये गई डीएच, डीएच देखो डीएच की डायरेक्शन इधर, वी की डायरेक्शन इधर और बी की डायरेक्शन इधर, ठीक है, परपेंडिकुलर है तीनों भाई, डीएच ये डीएच की डायरेक्शन, ये बी की डायरेक्शन और ये वी की डायरेक्शन, तीनों क्या एक दूसरे के पैरेलल। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहां पे मैं इधर लिख रहा हूं बेटा इसको मिटा करके, ये देखो यहां पे ये देखो यहां पे द आर्म आर्म्स कौन कौन सी, डीएच डीएच सीजी, ठीक है, बीएफ एंड एई आर परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड वी, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ईच आर्म कितनी हो जाएगी बेटा, क्या होता है फॉर्मूला, ई इज इक्वल टू बी एल वी, तो ई इज इक्वल टू बी कितना, बी हमारे पास 0.05, वी कितना 5 और एल कितना 10 × 10⁻², सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज ई इज इक्वल टू, इसको भी क्या लिख सकते हैं 5 × 10⁻², 5 × 10⁻², ई इज इक्वल टू कितना 25 और 10⁻² कितना −3 वोल्ट, कितना हो गया 10⁻²⁻,
माइनस 3 वोल्ट इज इक्वल टू 25 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 वोल्ट। ठीक है, तो इसमें बेटा इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है उसमें हमें ये देखना है कि बी एन और वी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर इनमें से कोई भी दो एक दूसरे के पैरेलल हो गए तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, इफ मैग्नेटिक फ्लक्स और टाइम के बीच में रिलेशन दे रखा है, गिवन फाई इज इक्वल टू 5t³ + 4t² + 2t - 5, ये हमें एक रिलेशन दे रखा है मैग्नेटिक फ्लक्स और टाइम के बीच में। कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। t इज इक्वल टू 2 सेकंड में कितने इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस d∅ / dt, पढ़ा है सभी ने, फैराडेज सेकंड लो, E इज इक्वल टू माइनस d∅ / dt। अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें, E इज इक्वल टू d∅ / dt, तो माइनस के साइन को हम हटा सकते हैं। एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड रख लो, d∅ / dt फाई की जगह 5t + 4t² + 2t - 5, करो इसको सोल्व, इज इक्वल टू इसका करेंगे तो डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन में पावर कहां जाती है आगे, तो 3 × 3 t² पावर में से घट जाएगा, प्लस 4 × 2 पावर आगे आ गई, t की पावर कितनी बच गई 1, प्लस 2 × 1 यहां 1 थी और t की पावर कितनी हो गई 0, और कांस्टेंट का 0 होता है डिफरेंस कहां पे, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब यहां पे हम t की वैल्यू कितनी रखेंगे, t की वैल्यू हम रखेंगे 2 सेकेंड, तो यहां पे हमारे पास आंसर आ जाएगा E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, E इज इक्वल टू 9t² 3 × 3 = 9 प्लस 8t प्लस t की पावर 0 1 2 एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, E का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा 9 2² + 8 × 2 + 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 × 4 + 16 + 2 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 36 + 16 + 2, तो हमारे पास कितना आ गया, इज इक्वल टू E का मैग्नीट्यूड 36 और 18 कितना हो गया, 36 + 18 इसे 54 वोल्ट। ठीक है, एक बार फिर से देख ले हम, ये हमारे पास एक इक्वेशन थी और t इज इक्वल टू 2 टाइम पे t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे हमें क्या निकालना था, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू माइनस d∅ / dt, मैग्नीट्यूड निकालना हमें, तो इसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया टाइम के साथ, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सोल्व कर लिया, एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, t इज इक्वल टू 2 सेकंड निकाले तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे कितना, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई और यहाँ पे t की वैल्यू 2 रख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इज इक्वल टू 54 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैग्नेटिक फ्लक्स
डेंसिटी 10 टेस्ला, बी कितना दे रखा हमें 10 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है 10 टेस्ला एट नॉर्मल टू द क्वाइल हैविंग 50 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी दे रखी है 50, और नॉर्मल टू द क्वाइल मैग्नेटिक फील्ड है और ये क्वाइल के नॉर्मल ऐसे एक्ट कर कितना 50 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड हैविंग एरिया, क्वाइल का जो एरिया दे रखा है एरिया इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इफ मैग्नेट इट रिमूव्स इन 0.1 सेकंड, अगर इस क्वाइल को मैग्नेटिक फील्ड में से 0.1 सेकंड में रिमूव करने, टी हमें दे रखा है 0.1 सेकंड, तो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें निकालनी, क्या फाइंड आउट करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो यहां पे हम निकाल सकते हैं क्या फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फाइव टू माइनस फाइव वन अपॉन टी, ऐसे लिख सकते हैं फाइव टू माइनस फाइव वन अपॉन टी, तो एक टर्न के लिए होता है, एन टर्न है तो एन के लिए एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इज इक्वल टू एन कितना, एन देखो बेटा 50, ठीक है फाइव कितना आएगा फाइव, तो फाइव होता है बी ए कॉस थीटा, यहां पे हम क्या लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा, तो बी ए कॉस थीटा फाइनल फ्लक्स कितना हो जाएगा फाइनल फ्लक्स, भाई फाइनली बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो, तो फाइनल फ्लक्स कितना जीरो माइनस इनिशियल फ्लक्स, इनिशियल कितना था पी कितना बी ए कोस जीरो डिवाइडेड बाय टाइम कितना, टाइम हमारे पास 0.1, ठीक है फाइनली बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब इसको बाहर निकाल लेंगे तो फाइव टू कितना हो जाएगा फाइव टू इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा, तो बी क्या हो गया जीरो, तो ये टोटल जीरो हो जाएगा, इनिशियल फ्लक्स फाइव वन कितना होगा, इनिशियल कितना कनेक्टेड था फ्लक्स इसके साथ कितना लिंक था, तो बी कितना बी 10 टेस्ला, ए कितना 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में चेंज कर लो तो मीटर में 50 × 10⁻⁴, और कोस जीरो ये वेक्टर किधर आएगा ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर की तरफ, तो कोस क्या आएगा जीरो, कोस जीरो वन होता है, तो कितना आ गया 5 × 10⁻², ठीक है तो यहां वैल्यू रख देता हूं इज इक्वल टू कितना गया हमारे पास 50 मल्टीप्लाई बाई, ये माइनस का साइन बाहर था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये कितना है हमारा वहां से देखो 10⁻², डिवाइडेड बाई 0.1, तो 0.1 की जगह में क्या कर लेता हूं इसको चेंज कर लो 1 × 10⁻², इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², कितना बच गया 1 से 1 कैंसिल 1 बच जाएगा, ई कितना आ गया इज इक्वल टू 25, ये हमारे पास कितना आ गया 25 वोल्ट, कितना आ गया 25 वोल्ट, ठीक है तो ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हम निकाल सकते हैं, टाइम हमें दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, इनिशियल फ्लक्स दे रखा है, फाइनल फ्लक्स जीरो हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या होता है एन इज इक्वल टू 5 2 - 5 1 डिवाइडेड बाई टी, ठीक है तो ये हमारे पास, अब देखो कुछ क्वेश्चंस कुछ प्रॉब्लम्स हम लेंज लॉ के ऊपर करते हैं, तो लेंज लॉ के ऊपर देखो मैं कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे लिखता हूं और उनको हम सोल्व करेंगे, यहां पे देखो बेटा ये देखो मेरे पास ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये और ये इसके अंदर एक रॉड है
ये ए, ये बी, और वी वेलोसिटी से इधर मूव कर रही है, ठीक है। तो हमें ए और बी की पोलरिटी बतानी है, फाइंड द पोलरिटी ऑफ, फाइंड द पोलरिटी ऑफ पॉइंट ए एंड बी। तो इसकी पोलरिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी पोलरिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाना पड़ेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन किससे निकालते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है, अगर ये फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, सेंट्रल फिंगर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन देगा, अगर ये किसके डायरेक्शन दे रहा हो, ये किसके डायरेक्शन में हो, इलेक्ट्रेड थंब किसके डायरेक्शन में हो, मोशन ऑफ द कंडक्टर। तो ये लगाएंगे हम, तो यहां पे देखो इसे हम निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड किधर, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। ये जो डॉट्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड, और क्रॉस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। तो यहां पे देखो, यहां पे हम इस तरह से इसको लगा सकते हैं, ठीक है। ये सॉरी, ये मैग्नेटिक फील्ड ये बाहर आना चाहिए इस तरह से, ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर, ये वेलोसिटी इधर। तो देखो करंट किधर फ्लो करेगा, ए से बी की तरफ, करंट किधर आएगा, ए से बी। अब हमें एक चीज पता है कि ये क्या है, सोर्स। तो सोर्स के अंदर करंट कैसे फ्लो करता है, मैंने बताया था लेंज लॉ के अंदर, इन सोर्स करंट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड आउटसाइड एक्सटर्नल सर्किट एंड एक्सटर्नल सर्किट एंड इन एक्सटर्नल सर्किट कैसे फ्लो करता है बेटा, एक्सटर्नल सर्किट में, एक्सटर्नल सर्किट में पॉजिटिव से नेगेटिव। इस तरह से डायग्राम बनाकर मैंने दिखाया था, ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं हमारे पास, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो इधर तो करंट एक्सटर्नल में कैसे जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, और इधर कैसे जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये कि यहां सोर्स का काम कौन कर रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके अंदर, तो ये क्या होगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो ए की पोलरिटी कैसे, ए इज नेगेटिव एंड बी इज एट पॉजिटिव पोलरिटी, ठीक है। और देख लो यहां पे ये एक रेजिस्टेंस लगी हुई इस तरह से, और ये हमारे पास एक कॉइल है और ये एक मैग्नेट है, ये इसका साउथ पोल, ये इसका नॉर्थ पोल, और ये एक्स वाई, साउथ पोल इसकी तरफ मूव कर रहा है। तो इस रेजिस्टेंस में करंट कैसे फ्लो करेगा, हमें ये बताना है इस रेजिस्टेंस में करंट कैसे फ्लो करेगा। तो रेजिस्टेंस की हम बात करें, तो रेजिस्टेंस में हम करंट की बात करें, तो साउथ पोल किधर मूव कर रहा है, इस कॉइल की तरफ। तो इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा, इस कॉइल में करंट हम देखें कैसे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो साउथ पोल इधर है तो साउथ पोलरिटी गेन करेगा, साउथ पोलरिटी गेन करने के लिए इसको करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। क्लॉकवाइज में कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज किस तरह से होती है, ये इस तरह से करंट इसमें इस तरह से जाएगा, इस तरह से। तो रेजिस्टेंस में करंट कैसे फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस में करंट कैसे फ्लो करेगा, फ्रॉम एक्स टू वाई, फ्रॉम एक्स टू वाई, ठीक। यहां से और एग्जांपल हम देख सकते हैं, ये क्वाइल है और इसके अंदर ये करंट ए से बी की तरफ इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज,
तो कॉइल में जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? फाइंड द इंड्यूस्ड करंट। ये कॉइल हमारे पास, कॉइल ठीक है, कंडक्टर, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में होगा तो ये हमें बताना है इस कॉइल के अंदर। अब यहां पे देखो, इसके अंदर करंट बढ़ रहा है, इंक्रीज, ए से बी की तरफ इंक्रीज हो रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड किधर? मैग्नेटिक फील्ड मान लो यहां पे, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा? इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से बनेंगी, तो इस एंड के ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से घूमेंगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा। बी, इसका एरिया किधर? इस कॉइल का एरिया वेक्टर इधर ए। दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स कितना चेंज होगा इस कॉइल के अंदर से? मैग्नेटिक फ्लक्स फाइ इज इक्वल टू बी ए कोस 90, बी इज इक्वल टू कोस 90, तो कितना हो गया? कोस 90 इज इक्वल टू 0, तो फ्लक्स कितना हो गया? फ्लक्स इज इक्वल टू 0। अगर कोई कंडक्टर है और कंडक्टर में एक क्वाइल हमने ध्यान रखी है, तो इस प्लेन के जो कंडक्टर है वो क्वाइल के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो उसके उस क्वाइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाए, सॉरी फ्लक्स 0 हो गया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगी? इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट इज 0, नो इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। हाँ, ये कॉइल इस तरह से होती, इस तरह से होती, तो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती, ठीक है। अगर इन दोनों का, इस कंडक्टर कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगी, ठीक है। तो बेटा ये कुछ एग्जांपल्स थे लेंज लॉ के, और कुछ प्रॉब्लम्स थी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर, मोशनल ईएमएफ के ऊपर, ठीक है। आप इनको प्रैक्टिस करना इनकी। आज के लिए बेटा इतना ही, थैंक यू।